आज मैं आपके साथ बहुत ही झटपट बन जाने वाली मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही कम समय में बहुत ही कम सामानों के साथ बनकर रेडी हो जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नारियल का लड्डू। अगर आप सभी चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारा सारा लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता है। नारियल का लड्डू बनाने के लिए मैंने नारियल को अच्छे से ग्रेट कर लिया। आप चाहें तो इसे मिक्सी में दरदरा भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैं यहाँ सिर्फ किशमिश ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे अपने पसंद के भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। एक कटोरी चीनी चाशनी के लिए। नारियल के लड्डू बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे नारियल को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। नारियल को रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में एक चम्मच के लगभग में घी को हल्का गर्म होने के लिए रख दिए। घी के हल्का गर्म होते ही इसमें सारे कद्दूकस किए हुए नारियल से डाल करके हल्का सा भूनेंगे। इसे डालकर हल्का सा भूनेंगे, पर ये स्टेप बिल्कुल तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तीन से पांच मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे इसमें हल्का सा रेडीनेस आ जाए। ये देख सकते हैं नारियल हल्का भून चुका है, इसे हम लोग निकाल लेते हैं। नारियल भूनने के बाद सेम कढ़ाई में हम यहाँ पे चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी चीनी लिया है, सेम कटोरी से पानी। इसे चीनी को पिघलने तक पकाएंगे। कुटी हुई इलायची, आप इसके जगह पे इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। चाशनी को लगभग 50% होने तक पकाएंगे, जिसे चाशनी पूरी तरह से गाढ़ी हो जाए और ये चिपचिपा होने लगे। पर ध्यान रखिएगा इसके कोई भी तार पर ध्यान रखिएगा चाशनी से हमें कोई भी तार नहीं बनानी है। ये देख सकते हैं चाशनी लगभग हो चुकी है और ये पूरी तरह से गाढ़ी भी हो चुकी है। ये देख सकते हैं इसकी कोई हमें तार नहीं बनानी, बस इसे चिपचिपा करना है। चाशनी के हो जाने पे इसमें हम एक चम्मच के लगभग में पिघली हुई घी डाल रहे हैं। चाहे तो इसके जगह पे बटर भी डाल सकते हैं। ये चाशनी बन करके पूरी तरह से रेडी है। अब इसमें हम लोग रोस्ट किए हुए नारियल को डाल देते हैं। हल्का हल्का डाल करके इसे अच्छे से मिलाएंगे, जिससे नारियल के इसमें कोई लम्स ना पड़े और पूरे में नारियल पूरी तरह से मिल जाए। सेम स्टेज पे आप ड्राई फ्रूट्स पे ऐड कर दें, जिससे ये पूरे में अच्छे से मिल जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे नारियल और चीनी पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं चाशनी में ड्राई फ्रूट्स और नारियल पूरी तरह से मिक्स हो चुकी है। नारियल के हल्का सा ठंडा हो जाने पर हाथों में घी तेल या पानी लगाने के बाद लड्डू को बांध लेते हैं। ये देख सकते हैं ये नारियल का लड्डू बनकर के पूरी तरह से रेडी है। आप लड्डू का साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप इसे चाहे तो छोटे या बड़े साइज में कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से हम सारे लड्डू को भी बना लेते हैं। यह हमारा नारियल का लड्डू बन करके पूरी तरह से रेडी है, तो इसे खाइए और एंजॉय करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।